नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज के इस वीडियो में आपको गुणा से संबंधित कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। कई बार एग्जाम्स में आपसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको रूल ना पता होने की वजह से आप उन सवाल को हल तो कर देते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत सारा समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको गुणा करने की कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनके माध्यम से आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट्स को सबसे पहले पा सकें। तो आज मैं आपको गुणा करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रिक्स जो है हमारी वो है 9 से गुणा करने के बारे में। कई बार कुछ नंबर दे दिए जाते हैं आपको और बोल दिया जाता है कि इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 6 ये नंबर दे दिया और आपसे बोल दिया कि आप इसको 99 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन इसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको इन सवाल को शॉर्ट ट्रिक से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर आपसे कभी भी किसी संख्या को 99 या 90, 999 या इस तरह से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो उसे सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसी को ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि 99 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा? 100 - 1 इक्वल टू 99 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसी मेथड को यूज करेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 - 1 से। ठीक है, आपको पता है जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या होगा, ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी और जितने जीरो यहां पर है उतने जीरो यहां पर इसके पीछे आ जाएंगे। उसके बाद अगर इस संख्या की मल्टीप्लाई इसमें की जाए तो सेम यही संख्या आएगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इस संख्या से इसको घटा देना है। ठीक है, इस संख्या से इसको घटा देना है तो घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और हल करते हैं। अभी इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है 9999 से। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10,000 - 1, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये जितनी जीरो है इसके पीछे लगा देंगे हम 7, 6, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, यही सेम संख्या आएगी। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां पर 9999। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 में से ऐड के 1 बचा और 9 में से
तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक है 5 की घात के रूप में गुणा करना। सपोज कीजिए कोई संख्या है और उसको 5 की पावर के रूप में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 5 6 2 5 6 गुणा 1 2 5 इस तरह मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाता है। तो अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ पर 99 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? ये संख्या लेनी है सेम 5 6 2 5 6 और जितने अंक यहाँ पर हैं उतने ही जीरो यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये कितना बन रहा है? 5 की घात 3 है। इसको मैसेज लिख सकते हैं ना, 125 को 5 की पावर 3 या ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 5 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? जितनी पावर यहां पर है इसके नीचे 2 की उतनी पावर ही दे देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो सेम ऐसे जाएगा। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं, आठ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो इससे इसको आपको डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करने के लिए देख लेते क्या आएगा, 5 6 2 5 6 0 0 0 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम यहां पर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइव सिक्स एट नाइन टू एट मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम इसको ऐसे, यहाँ पर इसकी पावर 5 4 है 5 की पावर, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे 4 जीरो बढ़ा देंगे, 5 6 8 9 2 8 और इसके पीछे कितनी जीरो बढ़ा देंगे, 4 1 2 3 और 4 और डिवाइड करना है 2 की उतनी पावर रखनी है जितने यहाँ पर पावर है, तो 2 की पावर 4 तो कितना आ गया 16। तो 16 को देख कितना लिख सकते हैं, तो ये इसका मतलब हो गया 2 2 2 2 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 16। तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। अब 16 से हम इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 8 4 4 6 4 1 2 3 4 और इसको हम क्या करेंगे? कितने डिवाइड कर देंगे? 8 से, 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को जो 5 की घात के रूप में दी गई हो उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सॉर्ट मेथड से। इसके बाद एक मेथड और है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के एग्जाम में आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 6 5 3 2 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको 150 और इसमें आपको ऐड कर देना है 6 5 3 2
एट मल्टीप्लाई 50। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि यहाँ पर ये और ये सेम है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया ए और ये क्या है बी और ये सी है। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यहां से हम ए दोनों में ए है तो हम ए को वन ले लेंगे बाहर, क्या बचा है यहाँ पर बी और प्लस और सी, तो इसका मतलब क्या हम इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए का मान क्या है ये है, तो इसे यहाँ लिख लेंगे हम 5 2 3 2 8। ओके उसके बाद ए प्लस बी कितना है 150 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 200, तो 6 5 3 2 8 मल्टीप्लाई 200। अब देखिए इसको बस हमें इनको गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा इसका, इसको हम ऐसे लिख के शॉर्ट में कर लेते हैं, 2 8 16 2 2 4 5 2 3 6 2 5 10 2 6 12 13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, एक संख्या दे दी यहां पर, +144 दे दी हमें एक संख्या यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास दो संख्या सेम है, ये और ये, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे, इस कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला को यूज करना आपको ए बी प्लस ए सी। अब हम इसको ए यहाँ पर मान लेंगे या बी मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं आप, ठीक है, तो बी बी इक्वल टू हमारा दोनों सेम हो जाएगा, मान लीजिए बी है, ये भी बी है, ठीक है, और ये ए है, ये सी है, ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप यहाँ पे मानेंगे आपको वैसे ही फॉर्मूले में यहाँ पर इस वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, अब बी हमारा सेम हो गया तो बी को बाहर रख लेंगे, बी को कॉमन ले लेंगे और ए प्लस सी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमारा ए बी क्या है 3 6 2 8, ठीक है, और ए क्या है, ए हमारा है 144 और प्लस 64, ठीक है, तो ये दोनों टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 6 2 8 मल्टीप्लाई 8 और 6 4 10, ये आ गया। अब आप केवल इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर तीन ट्रिक बताई हैं, पहली ट्रिक क्या थी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, कोई संख्या दी होगी आपको, ठीक है, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इससे मल्टीप्लाई करनी है तो इसमें क्या करना है आपको, इसको 100 - 1 में तोड़ लेना है, ठीक है, जितने जीरो यहाँ पर इसके पीछे लगा देने हैं आपको, 8 8 4 3 0 0 और माइनस, ये संख्या इसमें आपको घटा देनी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही मान आएगा, तो 8 8 4 3, इनको घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घटा दे लेते हैं, कितना आएगा इसका, 8 8 4 3 10 3 7 9 4 5
वायरस नियंत्रण क्या जाएगा, ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है उसके बाद सेकंड वाली टिक क्या थी हमारी, पांच ही घात के रूप में। ठीक है कोई संख्या दी गई है आपको, मान लीजिए 6, 7, 6, 5, 3, 2 एक संख्या दी गई है और इसमें कहा गया है कि आपको कोई संख्या मल्टीप्लाई करनी है और वो पांच ही घात के रूप में है। ऐसे मान लेते हैं 125 दिया हुआ है, या वो इसकी जगह ऐसे भी दे सकता है, इसकी जगह पर ये भी दे सकता है, पांच ही घात तीन भी दे सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो पांच ही घात तीन तीन दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है पांच ही घात तीन दे देता है तो वो और भी अच्छी बात है, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो जितने यहाँ पर घात हैं उतने इसके पीछे जीरो बढ़ा देंगे, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3। ठीक है उसके बाद जितनी यहाँ पावर है उसके बटे 2 रखकर उसकी पावर उतनी ही कर देंगे, तो 2 की पावर गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2, 2, 8 जाएगा। ठीक है तो 8 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर होगा वही हमारा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है कर लेते क्या होगा इसका, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक जो थी हमारी वो क्या थी, जब हमारा जो नंबर दिया हुआ है कॉमन टाइप में हो, तो कॉमन टाइप में कैसा होगा, ये होगा। ठीक है उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आपको 64 से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद पूछ लिया जाएगा आपसे कि यहाँ पर इसमें जोड़ देना है आपको 5, 6, 3, 2, 8 और मल्टीप्लाई इसमें ही हमें देख लेंगे कितना कर देना है, ये कर देना है। तो हम क्या करेंगे इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा, ये ए मान लेते हैं, तो ये ए होगा तो ये भी ए ही होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है तो ए हमारा कॉमन है तो ए बाहर ले लेते हैं, ठीक है और बी हम यहाँ पर रख लेंगे 64, सॉरी बी बी प्लस सी। ठीक ए का मान कितना है 5, 6, 3, 2, 8 और ए बी कितना है 64 और सी कितना है ये हमारा 36, ये कितना हो जाएगा 5, 6, 3, 2, 8 मल्टीप्लाई। ये मैक्सिमम ऐसे नंबर देता है एग्जाम में कि उन्हें जोड़ने के बाद जो संख्या जीरो जीरो में ही आएगी ये आ जाएगा। अब देखो 100 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5, 5, 6, 3, 2, 8 और 2 जीरो के पीछे लगा देंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ओके अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।